Class 7 English, Unit 5, Section 1, Chapter, Lady of the Ring. Dear students, listen carefully. Mary Kam was born on 1 March 1883 in Kamethi, a small village in Manipur. कहता है कि मैरी कॉम का जन्म हुआ था 1 मार्च 1983 में कमेठी के नामक गांव में मणिपुर में. हर पेरेंट्स मैंगटे टोनपा कॉम एंड मैंगटे अखम कॉम अर्न देयर लिवलीहुड वर्किंग एज ए हार्ड लाइन्स इन फील्ड्स. कहता है कि उसके माता पिता खेतों में काम करके अपनी जीविका अर्जित करते थे. बीइंग द एल्डेस्ट सबसे बड़ी होने के कारण मैरी हेल्प हर पेरेंट्स इन द फील्ड्स. मैरी खेतों में उनकी सहायता करती थी. कटिंग वुड्स मेकिंग चारकोल फिशिंग लकड़ी काट करके चारकोल बना करके और मछली मार करके. शी ऑल्सो स्पेंड टाइम लुकिंग आफ्टर हर टू यंगर सिस्टर एंड ब्रदर. वह अपना समय व्यतीत करती थी अपने दो बहनों अपने छोटे भाइयों और बहनों की देखभाल में. बॉक्सिंग वाज नॉट ऑन द कार्ड्स देन. कहता है कि बॉक्सिंग वाज नॉट ऑन द कार्ड्स देन. बॉक्सिंग जो था संभावना नहीं थी उसके घटित होने का. इन द मिडिल स्कूल मैरी कम टू के कीन इंटरेस्ट इन एथलेटिक्स. द 400 मीटर रेस वाज हर फोर्ट. कहता है कि मिडिल स्कूल में मैरी कॉम अपना बहुत तीव्र रुचि रखती थी एथलेटिक्स में खेल कूद में 400 मीटर के दौड़ में. बट शी ऑल्सो टुक पार्ट इन द पोल वॉल्ट और पोल वॉल्ट में भी भाग ली एंड जेविन थ्रो. शी थॉट देन दैट वन डे शी वुड बिकम ए फेम्ड एथलेट. वह सोचती थी कि एक दिन वह प्रसिद्ध एथलेट खिलाड़ी बनेगी. इन हाई स्कूल After her move to Imphal, her interest gradually turned to boxing. High school में जब वह इम्फाल after her move to Imphal, Imphal पहुँचाने के बाद her interest gradually turned to boxing. उसका रुचि जो है धीरे धीरे बॉक्सिंग में बदल गया. The victory of boxer Dinko Singh at the 1998 Asian Games and then at कहता है कि विक्टोरी बॉक्सर बॉक्सर जो था जो विजय प्राप्त किया था जिंको खान सिंह 1998 में एशियन गेम्स में देन एट द 5th नेशनल गेम्स हेल्ड इन इम्फाल 1999 प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट. कहता है कि ये पांचवें राष्ट्रीय खेल जो इम्फाल में आयोजित हुआ था उसमें 1999 में वह सिद्ध हुआ उसके जीवन के लक्ष्य को बदलने में. द डिमॉन्स्ट्रेशन मैचेज इन वोमेन्स बॉक्सिंग ड्यूरिंग द नेशनल गेम्स. प्रदर्शन मैच जो था महिलाओं के लिए बॉक्सिंग का जो राष्ट्रीय खेल में इंस्पायर्ड हर टू टेक अप बॉक्सिंग. उसे प्रेरित किया बॉक्सिंग को धारण करने के लिए बॉक्सिंग में रुचि रखने के लिए. आई रियली लाइक द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इन स्कूल. मैं वास्तव में विद्यालय के स्पोर्ट्स कार्यकलापों में बहुत भाग लेती थी एंड ऑफन वन प्राइजेज प्राय पुरस्कार भी जीतती थी स्पेशली इन एथलेट इवेंट्स खेल के घटनाओं में विशेष रूप से. आई वाज 13 व्हेन आई कन्फिडेंट माई ड्रीम टू माई मदर सेज द स्टार. कहता है कि जब मैं 13 साल की थी जब मुझे विश्वास हुआ अपनी क्षमता से अपने पूरी तरह खेल को विकसित करने के लिए. सीइंग मेरी मैरिज पोटेंशियल एंड डिटर्मिनेशन मणिपुर स्टेट कोचेज नरजीत सिंह एंड लैसरम कैसन किशान सिंह टूक हर अंडर देयर विंग्स. कहता है कि सिंह मैरिज पोटेंशियल मेरिए के बहुत ऊर्जा को दे करके उसकी तीव्र आकांक्षा को दृढ़ संकल्प को दे करके मैरी के मणिपुर स्टेट का जो कोच था नरजीत सिंह और लक्ष्मण लैसरम किशन सिंह
उन्होंने अपने अपने अधीनस्थ उसको रखा। निकेम हर कोच है जिसके कोच बन गए उसके अपने देख रहे थे। मेरी वाज क्वाइट टू पिक अप, मेरी जो थी बिल्कुल अब आगे बढ़ने वाली थी। सी वाज ऑल्सो इनोवेटिव, सी वाज ऑल्सो इनोवेटिव एंड वुड पुट यूज न्यू वेज ऑफ बॉक्सिंग। इनोवेटिव मीन्स न्यू वेज ऑफ बॉक्सिंग, तो नए बॉक्सिंग के नए तरीकों को जानती थी। एंड पुट इन द सर्टेन मूव्स ऑन हर ओन गोइंग बियॉन्ड देयर विट आउट, शी हैड नो फियर एंड ग्रेट विल पावर। उसे भय नहीं था और उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी। लेसरम किसम रिकॉर्ड्स लेटर ही ज्वाइन द रेस हॉर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बाद में वह स्पॉट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सम्मिलित हुई। खुमान लंपाक एंड अंडरवेंट इंटेंसिव ट्रेनिंग अंडर द कोच एंड मेंटर। मेंटर और कोच के अंदर वह अपने तीव्र प्रशिक्षण को प्राप्त की। लेसरम इम्बोका सिंह जो इस प्रशिक्षण का नाम है। हर फादर हैड अप्रूव्ड द एथलेट्स, उसके पिता ने एथलेट्स के लिए उसे अनुमति दिया था, अनुमोदन किया था। बट व्हेन शी केम टू नो दैट शी वांटेड टू बी अ बॉक्सर, लेकिन जब वह जाना उसके पिता ने कि वह बॉक्सर बनना चाहती थी, शी वॉज नॉट टू हैप्पी, वह बहुत खुश नहीं था। He thought that she would end up with a broken face and would end her marriage prospects. कहता है कि वह सोचता था कि वह अपने जीवन को अपने इसी चेहरे के साथ समाप्त करेगी और मैरिज के विवाह के प्रशिक्षण विवाह के लिए। But she, his displeasure could not stop her. लेकिन उसका नाराजगी जो था, उसका अप्रसन्नता जो था, उसे नहीं पिता की अप्रसन्नता उसे रोक नहीं सका। Now, I am going to write the meaning of some words which is not down on in your books. On the cards, meaning of some words, some difficult words. Likely to happen, likely to happen. Hold. A thing that somebody does particularly well. A thing that somebody does particularly well. Turning point. Turning point. A time when an important change happens. A time when an important change happens. On the cards, likely to happen, fold. A thing that somebody does particularly well. Turning point, a time when an important change happens.
Now, I am going to write some questions and also you have to answer. Question number one. Where was Marie Kondo born? Where was Marie Kondo born? Question number two. How did her parents earn their livelihood? How did their parents earn their livelihood? एक मिनट सर। डियर स्टूडेंट्स अर्न देयर लिवलीहुड डियर स्टूडेंट्स नोट दिस क्वेश्चंस एंड ट्राई टू आंसर करेक्टली थैंक्स।